हेलो स्टूडेंट, आरआर पॉलिटेक्निक के ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था एलटी लाइन के विषय में। आज हम जो है हाई टेंशन लाइन का जो है एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि हमें जो है 1 किलोमीटर लंबी लाइन को स्थापित करना है। 1 किलोमीटर लंबी लाइन 11 kV वोल्टेज और जिसका जो है क्या कहते हैं मध्यमान पार्ट क्या है 100 मीटर का है मध्यमान पार्ट, और इसको हमें 11 मीटर लंबे इस्पात नली पोल पर ले जाना है। और यहाँ पर हम चालक एसी एसआर चालक का इस्तेमाल करेंगे। ये और उस जो लाइन ट्रांसमिट हो रही है उसके दूसरे पार्ट में सड़क क्रॉसिंग है और 8वें पार्ट में टेलीफोन लाइन क्रॉसिंग है। तो इतना तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में जो चीज़ें बता दी गई हैं, अब इसके बाद जो है क्या कहते हैं हम पहला स्टेप क्या है हमारा। पहला स्टेप ये है कि 11 किलोमीटर लंबी लंबाई 11 केवी की लंबाई है, लाइन की लंबाई है 1 किलोमीटर, और इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं 1000 मीटर, और लाइन का मध्यमान पार्ट क्या हो जाएगा 100 मीटर। तो लाइन में पार्टों की संख्या निकालने के लिए हमने बताया था कि जितने मीटर की लंबाई की लाइन है उसको हम जो है क्या कहते हैं मध्यमान पार्ट से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा लाइन में पार्टों की संख्या निकल आती है। तो यहाँ पार्टों की संख्या निकालेंगे तो हमारा 10 आ गया, और पोल की संख्या निकालने के लिए उसमें 1 प्लस कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पोल की संख्या 11 हो गई। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम इस यहाँ पर एज्यूम्सन्स लिख लेते हैं। ये हमारा जो है क्या कहते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लाइन 11 मीटर लंबे इस माप के इस्पात नली पोल पर जो है क्या कहते हैं ये सारी चीज़ें फिक्स है। इसको आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा, ये सारी चीज़ें हर जगह यही इस्तेमाल होंगी। उसके बाद चालक दिया हुआ है क्वेश्चन में, हम इसको एज्यूम्सन में भी लिख देंगे कि यही हम चालक इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद लाइन का प्रथम वह अंतिम पोल, सभी क्वेश्चन में जब भी ओवरहेड ट्रांसमिशन की बात आती है तो हमारा जो है जो फर्स्ट और लास्ट पोल होता है वो क्या होता है टर्मिनल पोल होता है। उसके बाद जो है क्या कहते हैं यहाँ पर 3 पोल को भू संपर्कित करना होगा। एक फर्स्ट करेंगे, उसके 2 टर्मिनल पोल को तो भू संपर्कित करना है ही, साथ में बीच में कोई एक पोल हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद लाइन सीधी रेखा में है और हमेशा एचटी लाइन में इसी जो एमएस चैनल का जो है क्या कहते हैं बाहु हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो गया हमारा जो है क्या कहते हैं सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में हम लाइन का सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम सीधे सीधे जो है क्या कहते हैं हमने यहाँ पर 11 पोल हमारे आ रहे थे तो 11 पोल हमने दर्शा दिए, ये 1 से लेकर 11 पोल तक। अब ये जो है क्या कहते हैं जो फर्स्ट पोल है और ये जो हमारा लास्ट पोल है ये दोनों क्या है टर्मिनल पोल हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है क्या कहते हैं ये अर्थिंग दिखाया गया और बीच में ये 6वें पोल को अर्थिंग दी गई है। और बताया गया है कि क्वेश्चन में कहा है कि जो लाइन क्या है दूसरे पार्ट में सड़क को क्रॉसिंग करती है, तो यहाँ पर एक सड़क क्रॉसिंग बना दी गई है और 8वें पार्ट में टेलीफोन लाइन को क्रॉस करती है, तो यहाँ पर एक टेलीफोन लाइन बना दी गई है। उसके बाद लाइन में पोलों की संख्या टोटल कैलकुलेट करेंगे। लाइन में पोलों की संख्या तो 11 आई थी, लेकिन जो है क्या कहते हैं क्वेश्चन में ये जो है क्या कहते हैं हमारा जो हाई टेंशन लाइन होती है उसमें जो फर्स्ट और लास्ट जो टर्मिनल पोल होते हैं वो दोहरे पोल संरचना होते हैं, मतलब डबल पोल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें जो है 2 और प्लस होगा तो यहाँ टोटल पोल की संख्या हमारा 13 आ जाएगी। लाइन में चालकों की संख्या 3 है जिसमें जो है क्या कहते हैं लाइन चालक की संख्या संख्या 2 हो जाएगी और भूतार 1 हो जाएगा, टोटल मिला के 3 हो जाएंगे चालक। तो लाइन चालक की लंबाई निकालने के लिए जितना जो है क्या कहते हैं जितनी दूरी तक हमको लाइन ले जानी है उसमें चालक का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी का 2% निकाल कर इसी में ऐड कर देंगे स्लैक के लिए, मतलब जो है क्या कहते हैं हमारा इसका 2% निकाल के इसी में स्लैक के लिए ऐड कर देंगे। और
उसके बाद भू तार की लंबाई निकालने के लिए एक है, उसी प्रकार से इसको भी निकाल लेंगे तो ये भी हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो क्रॉसिंग हमने दिया हुआ, क्रॉसिंग के विषय में हम डिटेल में वीडियो बनाए हुए हैं, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं उसके विषय में, लेकिन यहाँ पर भी क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है तो आपको इस प्रकार से दर्शाना है, इसलिए हम इसको बता दिए हैं। जैसे जो है क्या कहते हैं, यहाँ पर इस माप का बताया गया था कि इस माप का MS चैनल यूज इस्तेमाल करेंगे और रक्षण बाहु दो हो जाएंगे, जब दो बाहु लगेंगे तो दो क्लैंप भी लगेंगे, उसके बाद आई बोल्ट ये हमारा जो है 8 लगेगा, रक्षण तारों की संख्या जो है क्या कहते हैं सड़क क्रॉसिंग में 2 इस्तेमाल करते हैं तो उसकी लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ पर जो पार्ट होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं और 2% अतिरिक्त लेते हैं, तो ये हमारा 204 आ गया। और क्रॉस लेचिंग की संख्या निकालनी है, तो जो हमारा पार्ट है, पार्ट में जो किनारे किनारे के दो यहाँ पर जो सड़क क्रॉसिंग होती है, हमने क्रॉसिंग वाले वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है कि यहाँ पर जो किनारे वाले जो लैचिंग लगते हैं वो जो है क्या कहते हैं 0.75 पे लगते हैं, बाकी सारी लैचिंग 3 मीटर के जो है इक्वल डिस्टेंस पे लगाई जाती हैं। तो यहाँ पर आप जो है क्या कहते हैं ये किनारे किनारे वाला डिस्टेंस है इसको माइनस कर दीजिए इसमें से जो पार्ट है, और 3 से डिवाइड कर दीजिए लैचिंग की संख्या निकल आएगी, और +2 कर दीजिए इसमें जो 2 लैचिंग एक्स्ट्रा लग रही है हमारी किनारे किनारे, तो ये हमारा आ गया जो है 35 के अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा, तो इसको 35 लिख लेते हैं, पॉइंट में नहीं लेके चलते। और एक क्रॉस लैचिंग की लंबाई 2.25 मीटर होती, तो यहाँ पर जो है 35 क्रॉस लैचिंगों के लिए तार की लंबाई कैलकुलेट करना है, तो इसमें 35 में 2.25 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2% अतिरिक्त ले लेते हैं, तो ये जो है क्या कहते हैं हमारा निकल आता है सड़क क्रॉसिंग के लिए मटेरियल। उसके बाद जो है क्या कहते हैं स्टे वायर 2 लगाए जाते हैं सड़क क्रॉसिंग में, तो स्टे वायर 2 हम इसको लिख लेंगे। इसी प्रकार से अब यहाँ पर एक टेलीफोन लाइन भी है, तो टेलीफोन लाइन में भी जो हमारा MS चैनल होता है, MS चैनल यही इस्तेमाल होगा आपका, यही MS चैनल इस्तेमाल होगा, रक्षण बाहु भी यही होंगे, उसके बाद आई बोल्ट भी यही इस्तेमाल होगा, बस अंतर क्या आ जाएगा, अंतर यहाँ पर आएगा आपका कि यहाँ पर जो रक्षण तार लगाए जाते हैं, रक्षण तार की संख्या टेलीफोन लाइन क्रॉसिंग में 4 हो जाती है, तो यहाँ पर 4 कर देंगे और ये हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा 408 आ जाएगा। और यहाँ पर जो क्रॉसिंग निकालते हैं, क्रॉस लैचिंगों की संख्या निकालते हैं, यहाँ पर जो साइड वाले ये हमने बताया था कि 0.75 होता है, इसमें 6.1 होता है, तो 6.1 और यहाँ पर इसको जो है क्या कहते हैं 1.83 के इक्वल डिस्टेंस पे लगाया जाता है, इसको डिवाइड कर दीजिए आप, डिवाइड कर देंगे जो आएगा जो है क्या कहते हैं हमारा क्रॉस लैचिंगों की संख्या हो जाएगी, क्रॉस लैचिंगों की संख्या, तो ये जो है क्या कहते हैं यहाँ पर हम 10 लेते हैं, +10 हो जाएगा ये, और इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट कर लेंगे तो क्रॉस लैचिंगों की संख्या निकल आएगी। और उसी प्रकार से हमारा जो है एक क्रॉस लैचिंग की लंबाई 2.25 होती है, तो जो हमारी लैचिंग की संख्या आएगी उसमें इसका मल्टीप्लाई करके हम वायर की लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे, क्रॉस लैचिंग में हमारा कितनी टोटल जो है वायर लेंथ खर्च होगी। और इसके आगे का पोर्शन जो है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से रिक्वायर्ड मटेरियल की लिस्ट बनाते हैं, और हर जगह वही रिक्वायर्ड मटेरियल की लिस्ट इस्तेमाल होती है, बस ये है कि अगर लाइन हमारी जो है लंबी, अगर जैसे ये 1 किलोमीटर है तो यही लाइन अगर जो है 2 किलोमीटर हो जाती तो इसमें जो है क्या कहते हैं मटेरियल क्या हो जाते, डबल हो जाते, बस मटेरियल डबल हो जाते, मटेरियल सारे वही इस्तेमाल होंगे, बस क्या होगा उसका क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। अगर यही 500 मीटर हो जाती तो इसके मटेरियल क्या हो जाते, हाफ हो जाते। तो इसी प्रकार से जो है क्या कहते हैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आप अगर ध्यान देकर एक एक चीज़ें पढ़ेंगे तो इसमें जो है क्या कहते हैं आपको बस ध्यानपूर्वक रीडिंग करना है, जितना मन लगा के आप रीडिंग करेंगे उतने ही अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है इसमें क्वेश्चन, बस हाँ थोड़ा प्रोसेस लंबा है लेकिन जो है क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। वीडियो आप देखते रहिए, किसी प्रकार की समस्या हो तो आप जो है क्या कहते हैं कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। धन्यवाद।